सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है, उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। अधिक पैदावार के लिए बैगन की फसल में जरूरी कार्य। अजोला उत्पादन करके पशुओं को खिलाएं, अच्छा लाभ कमाएं। किसान भाइयों, बैगन की खेती अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों के अलावा लगभग सभी जगहों पर की जाती है। यह एक सब्जी फसल है जिसका उत्पादन चीन के बाद सबसे ज्यादा भारत में किया जाता है। बैगन में कई तरह के पोषक तत्व भी मौजूद होते हैं। वर्तमान समय में बैगन के फल हरे, बैंगनी, पीले और सफेद रंगों में उगाए जाते हैं। इसकी खेती को पूरे साल आसानी से किया जा सकता है, लेकिन फसल से अधिक उत्पादन लेने के लिए कुछ जरूरी कार्यों को किया जाना आवश्यक होता है, जिनके बारे में बता रही हैं विषय विशेषज्ञ प्रीति चौहान। किसान भाइयों, आज हम बैगन की फसल के बारे में चर्चा करेंगे और उसमें ये जानेंगे कि वर्तमान परिवेश में बैगन की खेती करने में हमें क्या क्या सावधानियां, क्या क्या बिंदुओं पर ध्यान देना है। तो आइए किसान भाइयों, हम चर्चा करते हैं खरपतवार नियंत्रण पर। किसान भाइयों, खरपतवार जो है वह हमारी मुख्य फसल की, जैसे हवा, पानी, उर्वरक, खाद, जितने भी पोषक तत्व हैं सभी से प्रतिस्पर्धा रखती है। खेत में आप उनकी मुख्य फसल कम और खरपतवार ज़्यादा नज़र आने लगती है, तो इसके लिए समय पर उसका प्रबंधन होना अति अनिवार्य है। 20 से 30 दिन में आपको खरपतवार नज़र आने लगेगी। इसके प्रबंधन के लिए आप शुरुआती अवस्था में ही खरपतवार को निकाल दें और खुरपी की सहायता इसमें आप ले सकते हैं, जो कि पारंपरिक विधि है खरपतवार नियंत्रण की। तो इस तरह आप खरपतवार पर कंट्रोल या उस पर नियंत्रण कर सकते हैं। किसान भाइयों, बैंगन की फसल से अच्छी पैदावार के लिए संतुलित मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए। इसके लिए यूरिया 260 से 325 किलोग्राम, सिंगल सुपर फास्फेट 375 से 469 किलोग्राम और म्यूरेट ऑफ पोटाश 83 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से आवश्यकता होती है। इनमें से नाइट्रोजन की एक तिहाई मात्रा, फास्फोरस और पोटाश की पूरी मात्रा को मिलाकर अंतिम जुताई के समय खेत में डालना चाहिए। शेष नाइट्रोजन की आधी मात्रा को दो बराबर भागों में बांटकर रोपाई करने के 20 से 25 दिन और 45 से 50 दिन बाद खड़ी फसल में देने से फसल का उचित विकास होता है और बैंगन का उत्पादन अधिक मिलता है। किसान भाइयों, हम बैंगन की खेती में सिंचाई की बात करें तो अगर बरसात जहां पर समय समय पर होती है वहां पर आपको अलग से सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन अगर आपका ठंड का और गर्मी का मौसम है तो आपको 10 से 15 दिन के अंतरालों में पानी देना अनिवार्य होगा। और किसान भाइयों, कई बार ऐसा होता है कि भूमि बहुत ज़्यादा जल मांग रहती है भूमि की, तो आप उसको भूमि को पकड़ के देख सकते हैं। यदि अगर आपको लगे कि भूमि में नमी नहीं है तो ऐसी स्थिति में आपको 3 से 5 दिन के अंतराल में सिंचाई करनी होगी। सिंचाई अधिक कर देंगे तो भी हमारी फसल को नुकसान पहुंचेगा और पर्याप्त मात्रा में अगर हम सिंचाई नहीं देंगे तो भी हमारी फसल पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। इसी तरह किसान भाइयों, हम जल निकास की बात करते हैं। जैसे कि अभी बरसात का मौसम चल रहा है तो यह एक बड़ी परेशानी है, बड़ी समस्या है जल भराव की। इस पर निदान पाने के लिए आप समय समय पर ध्यान दें और अगर नालियां, जो किसान भाइयों नालियां इसमें आप काट सकते हो गैती फावड़े की मदद से, और इसका जो अतिरिक्त पानी आपका खेत में भर गया है उसको आप निकाल सकते हैं।
बैंगन का छोटी पत्ती रोग, ये बीमारी को हरा तेला नामक कीट द्वारा फैलाया जाता है। इस बीमारी से प्रभावित पौधों के पत्ते पतले रह जाते हैं, छोटी पत्तियां भी हरी पड़ जाती हैं। प्रभावित पौधों में पुष्पन और फलन नहीं होता है, जिससे किसानों को भारी नुकसान होता है। इस बीमारी की रोकथाम के लिए रोग रोधी किस्मों का प्रयोग करें। बिजाई के समय दो पंक्तियों के बीच फोरेट डालें। यदि शुरुआती समय पर हमला दिखे तो प्रभावित पौधे को उखाड़कर बाहर निकाल दें। इस बीमारी का मुख्य कारण हरा तेला होता है। इसके रासायनिक नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रिड दवा का 1 मिलीलीटर मात्रा को 3 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करने से इस रोग का नियंत्रण हो सकता है। किसान भाइयों, अब हम कीट प्रबंधन की और नजर डालते हैं। कीट प्रबंधन हमें किस प्रकार करना है? किसान भाइयों, बैंगन में मुख्यतः फल तथा तना छेदक कीट होता है। इसमें जो मादा है कीट की, तो वह एक मादा कम से कम 300 अंडे देती है और यह अंडे जो हैं 10 से 15 दिन की अवस्था में फूट जाते हैं और यह अंडे जो है लार्वा का रूप ले लेते हैं और यह लार्वी जो होती है कीट की तने में चली जाती है। मतलब कि आप ऊपर से लेके नीचे तक पौधा आपका खराब होने लगता है, फूलों से आते आते फलों में आने लगती है और आपकी जो इल्ली है यह फल के अंदर अंडा और अपना एक्सक्रीटा या मल जो है वो त्यागने लगती है और इससे हमारा फल है पूरी तरीके से नष्ट हो जाता है। इसके रोकथाम के लिए हम लाइट ट्रैप का इस्तेमाल कर सकते हैं। फेरोमोन ट्रैप 5 से 6 प्रति एकड़ के दर से लगा सकते हैं और 1 हेक्टेयर में 8 से 10 का उपयोग होना होता है। और इसका जो दूसरा चरण है वो है रासायनिक। इसके लिए हम कीट की रोकथाम के लिए आप एंडोकार्प दवा 1 ml प्रति लीटर का घोल तैयार कर सकते हैं और उस पर छिड़काव कर सकते हैं। किसान भाइयों, मेरे द्वारा जो भी जानकारी दी गई है, अगर इस पर किसान भाई थोड़ा गौर करेंगे तो उनकी जो उपज है उसमें निश्चित रूप में वृद्धि होगी। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ।